दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया कल के मैच में जीते तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड दौरे में टीम इंडिया अब आखिरी पड़ाव पर है। दो टेस्ट मैचों की अंतिम मुकाबला क्राइस्टचर्च में शनिवार से खेला जाएगा, यानी कि कल से। विराट ब्रिगेड सीरीज में बता दें कि 0-1 से पिछड़ चुकी है। वेलिंगटन के बेसन रिजर्व में शर्मनाक हार के बाद अब क्राइस्टचर्च के हेगल ओवल में भारतीय बल्लेबाजों की परीक्षा होगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 4 बजे से खेला जाएगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का पिछला मैच 3 दिनों में हारने से भारत के बल्लेबाजी क्रम का जबरदस्त झटका लगा है, जो कठिन परिस्थितियों में प्रदर्शन करने के लिए गर्व करता रहा है। इस हालात को मुख्य कोच रवि शास्त्री से अच्छा कोई और नहीं बयां कर सकता है। आपको बता दें कि शास्त्री ने कहा कि इस तरह का झटका मिलना भी सही है, क्योंकि इससे आपका दिमाग खुल जाता है। जब आप हमेशा खुले रास्ते पर चल रहे होते हैं और हार का स्वाद नहीं चखते, तो इससे आपका दिमाग कुंद पड़ सकता है। अब हम भारत के संभावित 11 खिलाड़ी बता देते हैं कि उनका नाम क्या है और वो कौन कौन खेल सकते हैं इस मैच में। सबसे पहले तो विराट कोहली, जो कि कप्तान है, मयंक अग्रवाल, पृथ्वी शॉ, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत, विकेट कीपिंग में ईशांत शर्मा या फिर उमेश यादव, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी कल के मैच में खेलेंगे। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, टीम इंडिया को और कड़ी मेहनत करनी होगी कल के मैच के लिए, और कितनी मेहनत करनी होगी, और क्या आप चाहते हैं कि टीम इंडिया कल के मैच में जीते तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।